वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ जब भी मौसम बिगड़ता है देख के ही मज़ा आ जाता है। लोकेशन देख के तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, अभी मैं हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दरबार यानी भवन में। तो चलिए आपको एक अनकट वीडियो दिखाते हैं, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी यादें जो हैं वो आज ताज़ा हो जाएंगी, और अगर आप आने वाले हैं तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। एक एक जगह पता होगी आपको, यहाँ से लेके चलते हैं भवन तक। अब हटते हैं सामने से और एक बार लोकेशन और नज़ारे देखो श्री माता वैष्णो देवी के भवन पे। टोटल अनकट वीडियो होगी, यहाँ से शुरू करेंगे, कोई कट नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप वर्चुअली यहाँ पे घूम रहे हो अभी। तो आपको लेके चलते हैं भवन के अंदर तक, जो कि बहुत दूर है, तो 10-15 मिनट आपके चाहिए। ध्यान से देखो एक बार और एक एक चीज़ सारी डिटेल के साथ बात करते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये रास्ता है जहाँ से हम अंदर आ रहे हैं, ये रोप वे पॉइंट है जहाँ से आप रोप वे में बैठ के भैरव बाबा पे जा सकते हैं। ये हो गया मनोकामना भवन और ये दोनों तरफ है यहाँ पे भोजनालय है, और एज यूजुअल भक्तों की भीड़ यहाँ पे हमेशा ऐसी रहती है। और टाइम की बात करें तो 3:19, तारीख की बात करें तो आज है 6 अगस्त 2024, और वीडियो अनकट रहने वाला है, तो आप एक बार देखते रहिए, नए सारे बहुत सारे अपडेट मिलेंगे आपको इसमें। रोपवे की जो पर्ची है, मतलब जो टिकट है, वो अब यहाँ नहीं मिलती है, वो मिलती है दुर्गा भवन के नीचे, सामने है दुर्गा भवन वहाँ पे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और नज़ारे देखो क्या हो रहे हैं, मतलब बादल भाई साहब छाए हुए हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हमारी ये कमेंट्री सुन सकते हैं, या तो मस्त सिर्फ व्यूज़ देखो और देखो कि जैसे खुद आप यहाँ पे घूम रहे हो, तो क्या ही मज़ा आने वाला है। बादल बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कुछ ऐसा अभी भवन का नज़ारा है। अंदर की साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये रास्ता है जो भैरव बाबा पे जाता है यहाँ से, और इधर से हम आए हैं बाहर की साइड। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको, यहाँ से आप एंट्री लेंगे भवन पे जाने के लिए। लॉकर रूम कहाँ मिलेंगे वो भी आपको एक बार दिखाते हैं, वॉशरूम वगैरह की यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यकीनन अगर नहीं आए हैं, सॉरी अगर गलतियाँ हों तो, क्योंकि टोटल अनकट रहेगा। अगर आप नहीं आए हैं तो आप ज़रूर आना चाहते होंगे, जय माता दी ज़रूर लिख देना, माता आपको भी बुलावा ज़रूर भेजेगी, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसे ही नहीं आ सकता, जब माता बुलाती है तो लोग आते हैं, और जब वो बुलाती है तो फिर आना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे साथ बार बार ऐसा ही होता है, माता खींच लाती है और हम आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा है अभी दिखाते हैं यहाँ पे एक स्काई वॉक जो शुरू हो गया, अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो। ये जब लाइन लगी होती है तो यहाँ से ये लाइन लगती है, लेकिन अभी इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। आरती के टाइम पे अक्सर ज़्यादा भीड़ होती है, और इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ वैसे भी नहीं है, क्योंकि मानसून का सीज़न है तो थोड़ा सा कम ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कम हैं, फिर भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। श्रद्धा और भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होती, और ऊपर से क्या हो रहा है, बादलों ने जो कमाल कर रखा है ना, मतलब कमाल ही कर रखा है। देखिए अभी बिल्कुल बादल छाए हुए थे, अभी फिर धूप निकल गई है, और आपका जो स्काई वॉक है वो शुरू होता है यहाँ से। भाई साहब स्काई वॉक पे हम आज गए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको स्काई वॉक के मिल जाते हैं। यहाँ से एक बार दर्शन करने ज़रूर जाएं अगर आप नहीं गए हैं तो, मतलब हम अंदर से भी कई बार गेट नंबर 5 से एंट्री लेके जाते हैं, लेकिन स्काई वॉक में जो व्यू आ रहा था ना, दैट वाज अमेजिंग, मतलब कमाल का व्यू जो है वो स्काई वॉक से मिलता है। और अंदर बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा सारी यहाँ पे अच्छे से जो है वो बनी हुई है। अभी हम जा रहे हैं लोकल्स दिखाते हैं और दुर्गा भवन की तरफ चलते हैं, गेट नंबर 5। उसके बाद तो आगे ज़्यादातर कैमरा वगैरह अलाउड ही नहीं होता, तो वो सब अगर आपने देखना है तो वीडियोस में देखना। लेकिन ये स्काई वॉक जो है ऊपर से चला गया है, इधर से हम आए हैं, कुछ ऐसी भीड़ है। ये जो लिखा हुआ ना लॉकर रूम नंबर 2-3, ये यहाँ का आखिरी लॉकर है, इसके बाद आप बैग वगैरह लेके दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। आगे चले गए तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, यहाँ नीचे आप जाएंगे आपको लॉकर मिल जाएगा, फ्री लॉकर है, आप अपना सामान वगैरह जमा करेंगे और फिर जाएंगे आगे दर्शन करने के लिए। कुछ पूछना वगैरह हो तो पूछताछ कक्ष हैं, लेकिन आप यही वीडियो देख लीजिए, आई थिंक यही बहुत है, अंदर की सारी डिटेल आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। इधर से देखेंगे ना पूरे बादल छा गए हैं, अगले पॉइंट से दिखाते हैं आपको क्या कमाल हो रहा है।
पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, वॉशरूम वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है, मतलब कमाल ही है, मज़ा आ जाएगा। अगर आप आते हैं तो रुक के देखिए, और जो आए हैं उनको तो पता ही होगा। और अब भवन का नज़ारा देख सकते हैं, क्या खूबसूरत हो गया ना, बादल हट गए हैं तो पूरा एकदम क्लियर व्यू आ गया है। यहाँ से अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो ये स्काई वॉक है जो ऊपर से आ रहा है, ये सब, ये पूरा जो पहले नीचे भीड़ लगती थी, मतलब लाइन जो लगती थी ना नीचे, अब वो ऊपर चली गई है तो नीचे के रास्ते अच्छे से खुल गए हैं। सामने वो जो आप देख रहे हैं वो जो है वो स्नान घर है, यानी कि बाथरूम्स हैं, ओपन सी हैं जो सामने देख रहे हो, ये जेंट्स का है और इधर क्लोज वाला जो है वो लेडीज़ का है। और इसी के सामने वैसे पुलिस स्टेशन भी है, कोई शिकायत वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो। ये दुर्गा भवन है, अमेजिंग फैसिलिटी दुर्गा भवन में अवेलेबल है, फ्री में भी रुक सकते हैं, और अगर डॉर्मेट्री चाहिए तो नीचे निहारिका से बुक करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी अवेलेबल है, पीछे मनोकामना जो दिखाया था वहाँ पे भी है। और वहाँ है हमारी माँ वैष्णो देवी विराजमान, वहाँ तक चलते हैं अभी आगे। व्यू आप देखिए, मतलब यहाँ खड़े खड़े मैंने कितना टाइम बिताया है ये मैं ही जानता हूँ, मतलब मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे दर्शन करते रहो, बस खड़े रहो, इतना ही अमेजिंग है। और जब ऐसा खूबसूरत नज़ारा हो तो फिर और कहना ही क्या। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे से नज़ारे दिखाते हैं। ये इधर से हम आए हैं, हम इधर की तरफ इसमें जा रहे हैं, देखो टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे भी है, वैसे आगे दुर्गा भवन में भी है। अगर आप स्काई वॉक से जाते हैं तो अंदर से जाने के लिए भी, मतलब अंदर ऊपर ही भी हैं वॉशरूम वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रोप वे की टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंटर अब ये यहाँ पे आ गया है। अभी तो अंदर भीड़ कम लग रही है, लेकिन सुबह जब हम आए थे तो उससे ज़्यादा भीड़ थी। और देख, आप देख सकते हैं एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी भैरव मंदिर जाने के लिए। अगर 7 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं तो सबको ही लाइन में वहाँ पर लगाना पड़ेगा, हर आदमी को अपनी अपनी टिकट जो है वो मिलेगी। इधर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रास्ता यहाँ से जाता है और वहाँ नीचे दुर्गा भवन के नीचे अगर आप देखेंगे ना ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टिकट जो है वो मिलती है। अगर भीड़ ना हो तो आप जा सकते हैं, 2-3 मिनट में रोपवे जो है वो आपको ऊपर छोड़ जाती है, लेकिन आपको जितने भी लोग हैं सबको ही साथ में लेके आना पड़ेगा, एक आदमी को सारी टिकटें नहीं मिलती हैं। और 100 रुपये की टिकट है सिर्फ आना जाना, अगर आप रोपवे से जाते हैं तो, मतलब आप एक तरफ जाएँ तो भी वो 100 में ही आपको मिलेगी। और वहाँ पे क्या खूबसूरत सा हो गया ना नज़ारा अभी, और बादल, मतलब आप हमारे प्रॉपर जो डिटेल ब्लॉग है उसमें देखना चैनल के ऊपर कि क्या कमाल का व्यू है। जब हम भैरव बाबा से आ रहे और जा रहे थे तो मतलब अमेजिंग था। और इस टाइम पे तो रोपवे टिकट काउंटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। वो जो आप नीचे देख पा रहे हैं ना वो जगह है रोपवे काउंटर, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये अंदर ये कुछ ये यहाँ पे ये रोपवे काउंटर है, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से टिकट लेके आएंगे, जितने लोग हैं सबको साथ में लेके आएँ अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो। बस थोड़ा दूर कर दिया है, कई लोग मिले रास्ते में जिनको इस बात से शिकायत थी कि पहले टिकट लेना, इधर आओ, इधर लाइन में लगो और फिर आप वापस जाओ। और ऐसे यहाँ पे भेंटें चलती रहती हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमेशा रहता है, और मौसम हमेशा सुहावना ही रहता है। सर्दियों में आए हैं तब भी इतना ही अच्छा लगा है, मानसून में आए हैं तो बल्कि और अच्छा लगा है। ऐसे खूबसूरत हरे भरे नज़ारे और बादल यहाँ पर देखने को ऐसे ही मिलते रहते हैं, और धूप निकलती है तो भवन क्या चमकता है। रात में आप देखेंगे तो अलग अलग जो लाइटिंग यहाँ पे चलती है भवन, उसमें क्या चमकता है, मतलब क्या ही बोलूँ। यहाँ पे है लेडीज़ वॉशरूम, और पीछे भी है पार्वती भवन में भी, वहाँ पे भी जा सकते हैं स्नान करने के लिए। यहाँ पे ये पुराने वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे है जेंट्स, इसके नीचे, यहाँ इसके नीचे जाके आप नहा धो सकते हैं, सब कुछ फ्री है, वॉशरूम वगैरह भी हैं नीचे, एवरीथिंग इज़ टोटली फ्री। इधर से आप एक बार दर्शन करो भैरव बाबा वाले रास्ते के, लेकिन यहाँ से वहाँ पे हैं, लेकिन क्या है बादल छा गए हैं तो दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो अंदर की तरफ चलते हैं, एक बार आपको दुर्गा भवन और दिखाते हैं। इसमें सारी चीज़ें हमने लगभग क्लियर कर दी हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर आप आते हैं तो आपको सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जैसे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। ये है जी दुर्गा भवन, फ्री डॉर्मेट्री है, रात को 8 बजे खुलती है, पहले आओ पहले पाओ, आप जिस जगह पे जाके बैठेंगे वो आपकी हो जाएगी, बस इतना ही है। ये लास्ट गेट है, गेट नंबर 5 VIP गेट है, कभी कभी खुलता है, यहाँ से भी दर्शन के लिए जा सकते हैं लेकिन सबको नहीं जाने दिया जाता, जब खुलता है तो जब खुलता है बस। और सामने है, यहाँ से हम वापस आते हैं दर्शन करके, यहाँ कह सकते हो भवन है अंदर जाके। ये हो गया हमारा दुर्गा भवन, दुर्गा भवन देखिए क्या खूबसूरत बना हुआ है, मतलब यहाँ तो वैसे ही बैठने में 1-2 घंटा बैठ सकते हैं,
हेलीकॉप्टर की टिकट यहाँ से ले सकते हैं, अटका आरती की टिकट यहाँ से ले सकते हैं, फ्री डोरमेट्री यहाँ इसके नीचे हैं सारी की सारी, उनमें रुक सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और ऐसे खूबसूरत नज़ारों के मज़े ले सकते हैं। शेड भी है और नीचे जो है इसमें वो आपको फ्री डोरमेट्री मिल जाती है। दो फ्लोर जो हैं ये फ्री डोरमेट्री के हैं यहाँ पे, और उससे नीचे फिर पेड डोरमेट्री है जो 150 की है, और उसके नीचे फिर रूम्स हैं जिनके अलग अलग प्राइजेज़ हैं, जिनकी डिटेल आप माँ वैष्णो देवी .org वेबसाइट पे, माता वैष्णो देवी की पे देख सकते हैं। और इतना ही खूबसूरत नज़ारा है, अभी हम लोग भैरव बाबा से आए हैं, वहाँ से भी ऐसे ही कभी दिख रहा था कभी गायब हो रहा था, बीच में बादल बार बार आ रहे थे। कुछ ऐसे से खूबसूरत नज़ारे आपको पूरे माता के भवन पे देखते रहते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पे दिन रात रहता है। यहाँ से दुर्गा भवन की एंट्री और ये सब है, यहाँ आके आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। रात में 8 बजे के बाद नीचे के गेट खुल जाएंगे, नीचे जा सकते हैं, और दिन में कहीं पे भी बैठिए, सारा माता का है, सारा आपका है। तो कुछ ऐसे से नज़ारे यहाँ पे जय माता दी मिल जाते हैं आपको। सामने भैरव बाबा के ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं अभी, बस सामने ही हैं, आप जय भैरव बाबा के लिख के भी ऐसे ही दर्शन कर सकते हो, प्रॉपर ब्लॉग्स अवेलेबल है वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जय भैरव बाबा की और इधर माता जी। तो ये है एक अपडेट कह सकते हो, आज है 6 अगस्त 2024, दोपहर के बजे करीब 3:30, कुछ ऐसा सा है यहाँ पे माहौल, कभी बादल आ जाते हैं, कभी एकदम से धूप निकल आती है, देखो ऐसे खिली हुई सी, फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है। सुबह सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक बारिश कुछ नहीं हुई, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी हुई थी, बाकी सब नॉर्मल है, बाकी माहौल मज़ेदार है। आप आइए, कभी भी आइए, ज़्यादातर सारी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मिलते हैं प्रॉपर व्लॉग्स में, प्रॉपर व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट्स के लिए, देखो ऐसी गलती होती है, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा नाम है सनी कृष्णवत्स, मिलते हैं एक प्रॉपर व्लॉग में क्रिस्टल व्लॉग्स पर। जय माता दी।